हेलो दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं TDS कैसे पेमेंट करते हैं ऑनलाइन थ्रू। उसका सेकंड पार्ट ये है, कंटिन्यू में है। फर्स्ट पार्ट जो अपलोड हुआ था उसका सेकंड पार्ट ये है। अभी हम लोग जाएंगे साइट में, जाके गूगल में सर्च करेंगे TDS पेमेंट। वो फर्स्ट पार्ट जैसे यूट्यूब फर्स्ट पार्ट जो अपलोड हुआ है उसी का सेकंड पार्ट है ये। कंटिन्यू बेसिस में पहले उसको देखेंगे, उसके बाद ये वाला पार्ट देखेंगे। जाके ई पेमेंट पे जाएंगे, जाने के बाद 281 में जाएंगे। पहले पार्ट में ये सब ब्रीफली डिस्कशन हुआ है, मैं अभी ये कर रहा हूँ। 281 में क्लिक करेंगे, उसके बाद आप चूज करेंगे कंपनी आपका जो जिसका TDS काट के काटे हैं आप उसका पेमेंट कर रहे हैं, कंपनी पेमेंट कर रहा है। जिसका TDS काटे हैं वो कंपनी है या नॉन कंपनी? कंपनी होगा जिसका TDS आप काट के पेमेंट किए तो कंपनी होगा, तो कंपनी में देंगे, नहीं तो नॉन कंपनी में। मान लीजिए नॉन कंपनी में, तो एक इंडिविजुअल का कोई कुछ TDS काट के आप पेमेंट किए हैं उसको, तो उसका यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे आपका कंपनी का टैन नंबर, जो कंपनी हो या जो भी हो उसकी जो टैन पे ये काटा है आपका, जो TDS काट के पेमेंट किया है उसका टैन नंबर यहाँ पे देंगे, यानी कंपनी का टैन नंबर यहाँ पे भरेंगे। कंपनी का टैन नंबर देंगे हम यहाँ पे। असेसमेंट ईयर मान लीजिए, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए मेरा 17-18 है, तो उसका असेसमेंट ईयर 18-19 होगा। फाइनेंशियल ईयर जैसे स्टार्ट होता है 1/4/2017 से 31/3/2018, तो फाइनेंशियल ईयर आएगा 17-18, तो उसका असेसमेंट ईयर 18-19। तो असेसमेंट ईयर 18-19 दिया, उसका फुल नेम यहाँ पे नहीं है हो रहा है, तो आप कंटिन्यू सबमिट जैसे करेंगे फुल नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, वो आपका ऑटोमेटिक ले लेगा, टैन से वो खींच लेगा। यहाँ पे जो स्टार मार्किंग है वो कंपलसरी भरना पड़ेगा आपका। जो ये जो टैन नंबर जिसका नाम है, जो कंपनी है या जो कंपनी है उसका डिटेल्स यहाँ पे एड्रेस भरेंगे। जो मैं अभी जो कंपलसरी है वो भरूंगा, आप ऑप्शनल ये वाला जो स्टार मार्किंग है भर, आप कंपलसरी उसको भरेंगे। ऑप्शनल आप भर सकते हैं, नहीं भर सकते, मैं अभी भर नहीं रहा हूँ। कुछ फ्लैट भर सकते हैं यहाँ पे, नेम ऑफ प्रीमिसेस ये भरेंगे, रोड भर सकते हैं, उसके बाद एरिया भर सकते हैं, उसके बाद सिटी, मैं मान लीजिए कालकाटा भर रहा हूँ अभी, उसके बाद स्टेट वेस्ट बंगाल, उसके बाद फोन पिन नंबर दे दिया, उसके बाद ईमेल आईडी, आपका कंपनी का ईमेल आईडी यहाँ पे भरेंगे। ये भरेंगे, उसके बाद भर दिए, उसके बाद आप मोबाइल नंबर देंगे, कंपनी का मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर दे देंगे। उसके बाद जाएंगे आप, उसके बाद आप यहाँ पे TDS पेमेंट करेंगे 200 सेक्शन में। मान लीजिए आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट TDS डिपार्टमेंट मान लीजिए क्लेम करा है तो 400 में पेमेंट करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल जो है केस में हम लोग 200 में पे ही भरेंगे अदरवाइज, ठीक है। यहाँ पे आपका बहुत सारा नेचर ऑफ पेमेंट, कौन सा आपका वो जो पार्टी का आप TDS काटे हैं, नॉन कंपनी जो TDS काटे हैं, तो किस बेसिस में आपका TDS काटे, कौन सा चीज़ में आप TDS काटे, बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे। डिविडेंड का ऊपर है, ये है आपका, यहाँ पे जो भी आपका फॉल करेगा, जो TDS जो उस कैटेगरी में फॉल करेगा आप उसी कैटेगरी का आपको देंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए एक दिखा देता हूँ, प्रोफेशनल फी, प्रोफेशनल की फी का ऊपर आप TDS काटें, तो यहाँ पे चॉइस कर लिए। चॉइस करने के बाद मोड ऑफ पेमेंट आएगा, कौन सा मोड ऑफ पेमेंट में TDS पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग एक ऑप्शन है और डेबिट कार्ड ऑप्शन। नेट बैंकिंग थ्रू में जाएंगे तो नेट बैंकिंग एक्टिव करेंगे, डेबिट कार्ड थ्रू में जाएंगे तो डेबिट कार्ड को एक्टिव करेंगे। तो नेट बैंकिंग जैसे ही जाऊँगा तो बैंक, मेरे को बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मान लीजिए मेरा बैंक कंपनी का बैंक है एक्सिस बैंक में, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है आपका, इसको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर, जो भी जो है आपका उस टाइम जो आएगा आप उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद
आप इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे ये आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया, आपका टैन से कंपनी का नाम खींच लेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद ये वाला आपका इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, जो ये टैक्सेबल 2021 किस लिए कि नॉन कंपनी है, इसीलिए आपका 21 दिखा रहा है। कंपनी होता था 20 दिखा था, नॉन कंपनी का TDS काटे था इसलिए 21 दिखा रहा है। यहाँ पे टैक्स पेमेंट किए जिस सेक्शन में, 200 सेक्शन में किए तो 400 सेक्शन होता था 400 दिखा था, 200 सेक्शन वहाँ पे चार्ज किए थे क्योंकि आपका रेगुलर बेसिस में आप TDS पेमेंट कर रहे हैं, इनकम टैक्स या TDS डिपार्टमेंट क्लेम कर रहे तो 400 में आप करते, और नेचर ऑफ पेमेंट में 94J में पेमेंट किए, 94J यानी प्रोफेशनल फी का वो दिखा दिया आपका। उसके बाद आपका टैन नंबर देख लिया, असेसमेंट ईयर ये शो कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर देखिए ये दिखा रहा है आपका 17-18 फाइनेंशियल ईयर में असेसमेंट ईयर चार्ज किया। उसके बाद आपका एड्रेस ये वाला जो भरे थे कंपनी का एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भर दिए, मोड ऑफ पेमेंट में नेट बैंकिंग है, और इसका अभी इसके बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट, मान लीजिए यहाँ पे कुछ गलती है अभी आप जाके एडिट में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप ठीक है तो सबमिट टू बैंक। जैसे सबमिट करेंगे आपका कंपनी का ये जो बैंक एक्सिस बैंक का यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, आप यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे, कंपनी का यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे, यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे भरेंगे, कंपनी का जो यूजर आईडी है पासवर्ड है भरेंगे। यहाँ पे कंपनी का यूजर आईडी पासवर्ड भर लेंगे, उसके बाद सबमिट कर लेंगे। अभी आप बैंक साइड में घुसे, बैंक साइड में जाने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे कंपनी का नाम दिखा रहा है, एड्रेस वगैरह दिखा दिया, पिन नंबर दिखा दिया। अभी आपका देखिए सेक्शन चालान जो है 281 में आप पेमेंट कर रहे हैं, चालान असेसमेंट ये दिखाया, TDS कौन सा हेड में मैं दे रहे हैं, और मैं जो 200 हेड में आप पेमेंट किए। उसके बाद ये मेजर हेड जो ये नॉन कंपनी कंपनी का TDS काटे थे इसीलिए आप यहाँ पे दिखा दिया। अभी यहाँ पे आप जाएंगे पेमेंट जो है, देखिए नेचर ऑफ पेमेंट 94J फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस, यहाँ पे आपको वही सेक्शन में पेमेंट कर रहे हैं, ये वाला सेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन आ रहा है, सरचार्ज, एजुकेशन चार्ज, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर। यहाँ पे आप TDS जो मान लीजिए 6000 TDS काट के पेमेंट किए थे तो यहाँ पे टैक्स कॉलम में TDS अमाउंट देगा, क्योंकि TDS यहाँ पे कॉलम नहीं आता है, TDS कॉलम में यहाँ पे TDS अमाउंट भरेंगे। बाकी मान लीजिए लेट में पेमेंट किए तो TDS का जो इंटरेस्ट पोर्शन है यहाँ पे पेमेंट भरेंगे, पेनल्टी वाला पेनल्टी चीज़ है यहाँ पे भरेंगे। तो ये वाला आप अब इंटरेस्ट का कुछ पोर्शन होगा तो यहाँ पे भरेंगे, पेनल्टी होगा तो पेनल्टी यहाँ पे भरेंगे। इंटरेस्ट का पोर्शन मतलब डेज, जितना दिन लेट पेमेंट हुआ तो उसी हिसाब से आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके आप पेमेंट करेंगे, यहाँ पे अमाउंट भरेंगे, भरने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट कर लिए अभी आप पेमेंट पूरा ये हो गया, अभी आप जाएंगे आपका OTP जाएगा, मोबाइल में OTP जाएगा, OTP यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करके कंफर्म जैसे ही करेंगे वो आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आप क्या करेंगे, तो पेमेंट होने के बाद एक चालान जनरेट होगा, उस चालान को आप सिस्टम में सेव कर लेंगे और उसको प्रिंट आउट ले लेंगे, प्रिंट आउट लेके इसको फाइल कर में रख लेंगे, क्योंकि ये आपका जैसे ही क्वार्टर में एंडिंग में रिटर्न भरते हैं TDS रिटर्न, उसको आप उस टाइम रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बाय।